So today is our second lecture, which is about LG, classification of LG. So we are going to study about classification of LG. So in first, algal classification to the level of family. So first of all, classification of algae proposed by Fritsch. तो सबसे पहले जो एल जी की क्लासिफिकेशन की थी वो फ्रिच ने की थी. अब फ्रिच ने जो क्लासिफिकेशन की थी वो उसने अपनी एक बुक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल जी में प्रपोज की थी. प्रपोज द सिस्टम ऑफ फर्स्ट मोस्ट कम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ एल जी. इसने जो है ना वसी तौर पे एल जी की क्लासिफिकेशन की थी जो फ्रिच ने की थी, और ये इसका जो क्राइटेरिया था वो कुछ फॉलोइंग था. इसने जो जिस बेस पे क्लासिफिकेशन की थी उसमें सबसे पहला था पिगमेंटेशन, टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स, थैलस स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिजर्व फूड मटेरियल. अब फ्रिच ने जो है ना एलजी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया था. नंबर पहले पे है क्लोरोफाइसी, सेकंड जेंथोफाइसी, थर्ड क्राइसोफाइसी, फोर्थ पेसिलियोफाइसी, फिफ्थ क्रिप्टोफाइसी, सिक्स डिनोफाइसी या डाइनोफाइसी, क्लोरो मोनोडाइनी डायनी युगलेनिनी, फियोफाइसी रोडोफाइसी एंड माइजोफाइसी. अब जो उसकी पहले क्लास जो उसने फर्स्ट क्लास नंबर फर्स्ट है जो उसकी क्लोरोफाइसी, इसमें आते हैं ग्रीन एल्जी. इनमें जो मेन पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल ए, बी, कैरेटिनाइड्स एंड जेंथोफिल्स. इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पेरेनाइड्स है मोस्टली, उसमें पेरेनाइड्स होता है. फूड रिजर्व जो मटेरियल है वो स्टार्च है, और जो है ना कुछ में जो है वो पेरेनाइड्स है, एग्रीगेट बनाता है अराउंड द पेरेनाइड्स. सेल वॉल जो बनी होती है ग्रीन एलजी में वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो है ना मोस्टली ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. फ्लैजेला जो है वो इक्वल लेंथ होता है, और जो है ना इंसर्टेड एट इंटीरियर और अंदर से जो है ना वो निकला हुआ होता है इंटीरियर एंड से. रिप्रोडक्शन आप तीन तरह से इसमें होती है, वेजिटेटिव है, ए सेक्सुअल है और सेक्सुअल है. सेक्सुअल में क्या होता है, आइसो होते हैं, एन आइसो जो गेमस बनते हैं और ओ गेमस होते हैं. अब एग्जाम्पल क्या क्या है इनकी, तो जो क्लास क्लोरोफाइसी है उसको आगे आप उसने जो है ना 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ है. उसमें है वोल्वोकेल्स, जिसमें वोल्वॉक्स है जिसकी एग्जांपल, क्लोरोकोकेल्स, क्लोरेला, यूलोथ्राइकेल्स, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरेल्स, क्लैडोफोरा, कैटोफोरेल्स जिसमें आता है फ्रिशेला, ओडिनो, ओडियो गोनियल्स, ओडोइनो, ओडियोगोनियम आता है, काजुगेल्स में, जिनजिनी में आता है, सिफोनोल नेल्स में, वोचेरिया और करेल्स में कारा. अब दूसरी क्लास जो जेंथोफाइसी है इसके जो है ना इसमें अब क्या होता है, हिट्रोकोनेट होता है या येलो ग्रीन एल्जी होते हैं, ठीक है. ये इनमें जो मेन पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए है, ई है, बी कैरेटीन है, कैरोटीन है और एंड जेंथोफिल्स है. अब इसमें प्लास्टर जो होते हैं वो पेरेनाइड्स में, पेरेनाइड विदाउट पेरेनाइड्स होते हैं, जबकि जो पहली क्लोरोफाइसी थी उसमें विद पेरेनाइड्स थे. रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल है, जबकि क्लोरोफाइसी में जो थी वो स्टार्च थी. सेल वॉल जो है इसमें वो कंपोज होती है पैक्टिक सब्सटेंसेस और लिटिल उसमें सेलुलोज पाया जाता है. उसके बाद जो है ना इसमें सेल जो है वो टिपिकली यूकैरियोटिक है, और जो है ना एंटीरियरली इंसर्टेड टू इन इक्वल फ्लैजेला होते थे. उसमें जो है ना क्लोरोफाइसी में एक फ्लैजेला था, इसमें दो फ्लैजेला है, एक शॉर्टर फ्लैजेला है और एक लॉन्गर है. जो शॉर्टर है वो विप्लैश है, यानी उसमें कोई जो है ना वो स्मूथ है, जबकि जो लॉन्गर है उसमें टेंसिल है, उसमें उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रफ होता है. रिप्रोडक्शन ऑफ वेजिटेटिव है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल है. सेक्सुअल में क्या होते हैं, आइसो गेमस होते हैं, एक ही तरह के गेमस होते हैं. अब जेंथोफाइसी के जो है ना वो चार ऑर्डर्स हैं आगे. ऑर्डर नंबर 1 है हिटलो क्लोरिड,
जिसकी एग्जांपल है हीटरोक्लोरिस और क्लोरामोबिया। दूसरे नंबर पर है हीटरोकोकल जिसकी एग्जांपल है माइजोक्लोरिस। तीसरे नंबर पर है हीटरोट्राइकल जिसकी एग्जांपल है ट्राइबोनिमा। और चौथे नंबर पर है हीटरोसाइफोन साइफोनेल्स जिसमें आता है बोटरीडियम। तीसरी क्लास है क्राइसोफाइसी। अब क्राइसोफाइसी में क्या होता है, जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है ना वो होता है फाइकोक्राइसिन। डोमिनेंट पिगमेंट होता है जो इम्पोर्ट जो किया जाता है, अलग किया जाता है ब्राउन और ऑरेंज से, ठीक है, ऑरेंज कलर से इन एलजी में। और क्रोमेटोफोर जो होते हैं इनमें वो नेकेड्स होते हैं, पेरिनाइड लाइक पार्टीज होती हैं, ठीक है। फूड रिजर्व मेटल जो इसमें है वो क्राइसोलेमनेरियन है और ल्यूकोसिन है। सेलवाल जो है वो कैल्सीफाइड है एंड नॉन सेलुलोजिक है, इसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता जो क्राइसोफाइसी है। मोटाइल सेल जो है वो टू इंटीरियरली इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं उसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रेयरली प्रेजेंट होती है आइसोकेमस टाइप। अब क्राइसोफाइसी के जो हैं थ्री ऑर्डर्स हैं, इंक्लूड थ्री ऑर्डर्स। ऑर्डर वन में आता है क्राइसोमोनेटा, मोनोडेल्स जिसमें जो है ना क्राइसोडेंड्रॉन एग्जांपल। दूसरे नंबर पर आता है क्राइसोफेरियल्स जिसमें क्राइसोफेरा है। तीसरे नंबर पर है क्राइसोट्राइकेल जिसमें क्राइसोक्लाइनियम है। चौथी क्लास है बैसिलियो फाइसी जिसको डाई एटम्सा कहते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्जी। इसमें जो है ना करेक्टराइज डोमिनेंस जो होता है वो गोल्डन ब्राउन पिगमेंट फिकोजेंथिन होता है और डाई एटोजेंथिन है एंड डाई आर्डिनोजेंथिन है। इसमें क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो पेरिनाइड्स और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो है ना जिनमें फैट एंड वोलेटीन होता है। सेलवाल जो है आप पैक्टिक है, सिलिसिफाइड है और ऑर्नामेंटेड है। सेलवाल में जो है ना दो हाफ होते हैं, रेडिली और बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है, यानी वो जो है ना दरमियान से अगर काटो तो दो अलग पार्ट में जो है ना डिवाइड हो जाती है। मोटाइल सेल जो है ना उसमें सिंगल फ्लैजेला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फियन के थ्रू टेक प्लेस होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स और ऑक्सोस्पोर्स। पैसिलियोफाइसी के अब दो ऑर्डर्स हैं, सेंट्रेल्स है जिसमें क्या आता है साइक्लोटेला और जो है ना पेनेल्स है जिसमें आता है ग्रामेटोफोरा। क्लास क्रिप्टोफाइसी। अब क्रिप्टोफाइसी में जो है ना मेन पिगमेंट होता है जेंथोफिल जो इम्पार्ट किया जाता है ब्राउन और रेड कलर से टू दीज एलजी, ठीक है। पेरिनाइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमेटोफोर्स। पेरिनाइड्स लाइक बॉडीज प्रेजेंट होती हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट होती हैं, क्रोमेटोफेयर से अटैच नहीं होती। फॉर सिंथेटिक प्रोडक्ट्स से जो हैं वो स्टार्च हैं और ऑयल हैं। पहले में था स्टार्च, दूसरे में ऑयल, अब इसमें जो है ना वो स्टार्च और ऑयल दोनों आ गए। मोटाइल सेल जो है ना वो डार्सोवेंट्रल है विथ टू एंटीरियरली इंटीरियर इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजेला इसमें, ठीक है, वही एक विप लाइक है और एक टेंसिल है। अब कॉम्प्लेक्स जो वास्कुलर सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है इस सेल में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो रेयर है और जब होती है तो वो आइसोगैमस टाइप होती है, यानी सेम टाइप के गैमस बनते हैं। अब इसमें दो ऑर्डर हैं, क्रिप्टोमोनोडेल्स और क्रिप्टोकोकेल्स। क्रिप्टोमोनोडेल्स में आता है क्रिप्टोमोनास और क्रिप्टोकोकेल्स में आता है टेट्रागोनिडियम। नंबर सिक्स पे आता है क्लास डिनोफाइसी। इसकी एग्जांपल जो है वो है पेरिडाइनी। ये एलजी जो है ना इनमें डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ठीक है, और जो पिगमेंट्स होते हैं वो जेंथोफिल हैं और वो ब्राउन और रेड कलर के होते हैं। फूड रिजर्व मटेरियल इसमें अब स्टार्च भी और फैट भी है, ठीक है। सेलवाल जो है वो सेलुलोजिक है, जो सेल है वो मोटाइल है, यूनिसेलुलर है और टू फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट है। मोस्टली जो है ना उनमें टू फ्लैजेला प्रेजेंट है। जो है मैनी स्पीशीज जो है ना वो कलरलेस हैं, स्पोरोफाइट्स हैं और
होलोजोइक में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्पोरोफाइट्स होते हैं जो गले सड़े मादों पर निक्षार करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रेयर है, लेकिन जब भी प्रेजेंट होती है आइसोगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली आइसोगेमस टाइप है। सातवें में है क्लास है क्रोमोनाडिनी। अब इस क्लास के जो मेंबर हैं वो डिस्कार्ड क्रोमेटोफोर्स हैं और प्रोवाइड करते हैं ब्राइट ग्रीन टिंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ जिंदु। पेरिनाइड जो है ना वो लैकिंग करते हैं और रिजर्व फूड जो है ना वो फैट और ऑयल है इसमें। मोटाइल फॉर्म है, दो इक्वल फ्लैजेला हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट है। मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो लॉन्गिट्यूडिनल वीन ऑफ सेल होती है, ठीक है। जो है ना सेल ओनली एक ही ऑर्डर है इसमें और वो ऑर्डर है क्लोरो मोनाडेल्स, जिसमें आता है ट्रेंटोनिया। अब क्लास एट है यूग्लेनी। तो यूग्लेनी में जो है ना मोस्टली यूग्लेना आता है, ठीक है, जो एग्जांपल है। ये स्पेशलाइज यूनिसेलर ग्रीन फ्लैजेलेट्स हैं, ग्रीन होते हैं। इनमें मैनी क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्रोमो वैसे कलर को कहते हैं। पेरिनाइड्स जो है ना वो लाइक बॉडी प्रेजेंट होती हैं सम फॉर्म में। पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है और जो है ना ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो पॉली सैकेराइड और पैरामाइलोन है। टू फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट है, कुछ में वन है और मोस्ट में टू है, जो बेस से निकलता है, ठीक है। कनाल लाइक इन्वेजिनेशन होती है एंटीरियर एंड। ये एलजी जो है ना एक कम्प्लेक्स वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट करते हैं। वैक्यूल जिनमें होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल डिवीन होती है इनमें, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो कुछ फॉर्म में पाई जाती है और जो है ना आइसोगेमस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली आइसोगेमस ही है। क्लास जो आप फियोफाइसी है उसमें ब्रोन एलजी है, जो स्ट्रक्चरली मोस्ट कम्प्लेक्स एलजी है, ठीक है ना, जो फियोफाइसी है। सिंपल फिलामेंट्स टू मैसिव प्लांट बॉडीज होते हैं। पिगमेंट इसमें ए है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, बी कैरोटीन है। क्रोमेटोफोर जो है ना वो बिसाइड्स अदर पिगमेंट्स कंटेन फिकोजेंथिन, तो जो फिकोजेंथिन भी इसमें पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो लैमिनेरियन है, पॉलीसैकेराइड और मैनिटोल है। अल्कोहल की एक फॉर्म है मैनिटोल जो है ना। सेलवॉल जो है वो मोस्टली कंपोज होती है सेलुलोज की और एलिजिनिक एंड फ्यूनिक एसिड। और इनमें मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। अब मोटाइल हैं तो उसमें जाहिर सी बात है फ्लैजेला आल्सो प्रेजेंट होंगे। और डायरेक्टिव होते हैं फॉरवर्ड एंड अदर डायरेक्टेड बैकवर्ड, कुछ फॉरवर्ड होते हैं कुछ बैकवर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो आइसोगेमी टू ओगेमी के थ्रू होती है। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगेमिस के थ्रू ही होती है। अब इस क्लास में जो है ना 9 ऑर्डर्स हैं। एक्टोकार्पेल्स है, टीलोपेट्रियल्स है, कटरेलियल्स है, स्पोरोकनेल्स है, डेस्मेस्टिटेल्स है, लमनेरियल्स है, सेफा क्लैरियल्स है, टिक्टोटेल्स है और फिकेल्स। इनमें वैसे इतना नहीं पूछेंगे ना, इतने ऑर्डर शॉर्डर याद करने की ज़रूरत है, बस आने चाहिए मेन जो उसकी क्लासिफिकेशन है, मेन जो उसकी 11 क्लास है ना उनके। अब नंबर 10 है क्लास रोडोफाइसी, रेड एलजी जिसमें पाए जाते हैं। तो ये जो एलजी है ना ये मरीन है और यूनि एक्जिल है और मल्टी एक्जिल थैलाई है, यानी बॉडी में एक भी हो सकता है और वो बॉडी डिफरेंट फैली भी हो सकती है। मल्टी एक्जिल बहुत से कोने भी उसके हो सकते हैं। इसमें जो पिगमेंट्स है वो मोस्टली रेड एलजी है, तो इसमें क्लोरोफिल ए है, डी है, ए एंड बी कैरोटीन है और जेंथोफिल है। कैरोटीन वो देखें उसमें प्रेजेंट होती है गाजर में, इस वजह से वो रेड होती है, तो ये भी फिर रेड एलजी है, इसमें भी कैरोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो है ना बिसाइड अदर पिगमेंट्स इसमें क्रोमेटोफोर्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं और उनमें फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसायनिन प्रेजेंट होती है, जो रेड कलर ऑफ दीज एलजी इंपार्ट करती है। अब फूड रिजर्व में जो है ना इनमें वो है फ्लोरिडीन है, स्टार्च है। आउटर सेल वॉल जो है ना वो पैक्टिक है और इनर सेल वॉल जो है वो उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो है ना 7 है
बेंगी एल्स है, नेमालाइन एल्स है, जेलिडी एल्स है, क्रिप्टोनिम एल्स है, जाइगार्टिन एल्स है, और रोडो मैनी एल्स है, और सिरेमिन एल्स है। अब लास्ट क्लास है क्लास माइजोफाइसी, जिसमें कौन से आते हैं, साइनोफाइसी और ब्लू ग्रीन एल्जी है। ब्लू ग्रीन एल्जी को पहले जो है ना वो अब मेरे ख्याल में बैक्टीरिया में रखा जाता है इसको, ब्लू ग्रीन एल्जी को, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया वगैरह। ये एल्जी जो है ना, इनमें प्रेजेंस होता है ऑफ रूडिमेंटरी न्यूक्लियस एंड दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनाइज्ड क्रोमेटोफोर्स, और इनमें क्रोमेटोफोर्स नहीं होते, इनमें जो है ना ये प्रोक्रियाटिक, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से इनको जो है ना वो बैक्टीरिया में रखा गया और किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा में रखा गया। चीफ पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल है, बी कैरेटीन है, और सी फाइकोसैनिन है। सेल वॉल जो है वो बनी होती है मुकोपाइलर की, पॉलीमर की। फूड रिजर्व जो है वो साइनो फाइसिन स्टार्च, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हार्मोगोनिया या एकाइनिड्स की बनी से होती है। अब इस क्लास में जो है फाइव ऑर्डर्स हैं, क्रोकोकोकेल्स है, कैमियोसिफिनेल्स है, प्लीरो कैप्सेल्स है, नोस्टोकेल्स है जिसमें नोस्टक आता है, और स्टिगोनिमो टेल्स है जिसमें स्टिग्मा आ जाता है।